हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि आज कुछ खास दिन है, आज बहुत बड़ा दिन है। तो आज है 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल है तो आज है अक्षय तृतीया। और तो अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और आज का दिन शुभ जाए सभी का, और अच्छे अच्छे चीज़ खरीदें। तो जैसे कि हमारे अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7, और मैं 5 बजे ही उठ गई थी। तो मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं, अभी बाकी लोग सो ही रहे हैं। तो मैं यहाँ नहा ली हूँ। तो नहाने के बाद आके मैं अपने बालों को थोड़ा ठीक कर ले रही हूँ। उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम बाकी है वो कर लूँगी। पहले मैं अपने गार्डन से फूल तोड़ लेती हूँ, कि हमारे गार्डन में थोड़े बहुत फूल निकल ही जाते हैं पूजा के लिए। तो यहाँ कुछ इस कपड़े थे सूखे हुए, तो वो भी उतार लेती हूँ। और देख सकते हो कि कितना हरा भरा लग रहा है हमारा बालकोनी। तो ये गुड़हल के पौधे हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और हमारे गुड़हल के पौधे में अभी 4-5 फूल खिल ही जाते हैं रोज़ पूजा के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है इसे हरा भरा देखकर, मन को भी खुशी मिलती है। तो सभी को अपने घरों में पौधे लगाना चाहिए, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि पौधे रहने से मन को खुशी मिलती है हरा भरा देखकर। तो देख सकते हो कि फूल खिली हुई है। तो ये अभी थोड़ी देर में खिल जाएगी, अभी कली है तो मैं तोड़ लेती हूँ। और यहाँ मैंने रंगोली भी बना दी है, क्योंकि आज खास दिन है तो पूरा रंगोली बनाना बनता है। ऐसे कोई बड़ी पर्व होती है तो मैं रंगोली ज़रूर बनाती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो जैसे कि पूजा सुबह ही कर लेती, क्योंकि मैं तो मॉर्निंग में ही नहा ली थी, लेकिन कुछ पूजा के सामान नहीं थे, अभी इनसे मंगवाई हूँ, तो इसलिए मैं फिर से नहा के पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हो लक्ष्मी नारायण की पूजा आज होती है बहुत धूमधाम से, विशेष उन्हीं की पूजा होती है। किसी भी भगवान का दे पूजा कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जैसे दुर्गा माँ, काली माँ, किसी भी देवी देवता को आज पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण को खास करके पूजा होती है, और वहाँ कलश की भी पूजा मैंने कर ली थी, क्योंकि पानी जल से भरा हुआ कलश हमें दान देना है आज अक्षय तृतीया को। घड़ा दान देना बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है। तो मैं आ गई हूँ मंदिर, क्योंकि मुझे दान भी देना था घड़ा, और कुछ अनाज है और कुछ फल है, ये सब मैं पंडित जी को दान दूंगी। तो पहले मैं दर्शन कर लेती हूँ। तो यहाँ शंकर भगवान की और बजरंगबली की सभी देवी देवता की मूर्तियाँ हैं, तो सभी को मैं दर्शन कर लेती हूँ बारी बारी। और यहाँ देख सकते हो सभी कोई पूजा कर रहे हैं। तो आज मंदिर में भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो सभी आए थे। बहुत सारा घड़ा देखिए रखा हुआ है, सभी दान दिए हुए घड़ा है। तो आज का घड़ा दान किया जाता है अक्षय तृतीया के दिन। तो यहाँ पूजा हो चुकी है, अब हम लोग घर के लिए निकलते हैं। तो अच्छी तरह दर्शन हो चुकी और पूजा भी हो चुकी है। तो यहाँ देख सकते हो लड्डू प्रसाद में मिली है। तो पूर्वी बोल रही है मुझे नहीं मिली, तो फिर पूर्वी गई है लेने के लिए लड्डू। तो यहाँ देख सकते हो मंदिर बहुत बड़ी है, और सभी सुविधा है पानी उनी की। तो यहाँ हवन कुंड भी बीच में बनाई गई है, देख सकते हो यहाँ हवन होती है। तो यहाँ प्रसाद हम लोग लेके आ गए हैं, तो आज लड्डू बांटी जा रही थी मंदिर में। तो यहाँ देख सकते हैं हमें 2 लड्डुआ मिली हैं। तो अब हम लोग घर के लिए निकलते हैं। अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी दुकान जाना है। ये रही हमारी बसंती। तो फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं मंदिर से, और यहाँ सबको लगी है जोरों की भूख। तो अभी बनाई जा रही है नाश्ता। तो नाश्ते में बन रही है पोहा। तो नाश्ता करके मिलती हूँ आपसे। और आज गर्मी बहुत ही एक्सेस की हुई है ना, आज गर्मी लग रही है, आज बहुत ही गर्मी है। अरे तो ओम कैसे, कहाँ से बनवाई? पंडित जी से। पंडित जी से? तो मेरे को बोली, हर बड़ी तो का देखो काम ये बड़ी। अकेले बना ली है ओम, और मेरे को बोली नहीं।
तो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे भी बनाने की बहुत इच्छा होती, पर देखो ये बनाई है। अरे बनाई बनाई नहीं है, वो आता है स्टिक आती है उसी से लगा दे। तो मुझे भी करना था ना, मंदिर में बोलना चाहिए था ना। गड़बड़ी हड़बड़ी का काम गड़बड़ी। अभी बज चुके हैं 11:30 और अभी हो रही है हमारी नाश्ता। तो पोहा है, आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। तो चलिए लगिए जोरों की भूख, तो पहले नाश्ता कर लेती हूँ।